Good morning, dear students. In this exercise, we discuss about even and odd numbers. अब सभी students को पता है even number कौन से होते हैं और odd numbers कौन से होते हैं. A number which, when divided by 2, this is called even number. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, these all are even numbers. A number which, when divided by 2, leaves a remainder is called an odd number. अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते. सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7. तो एक्सरसाइज 8 में बेटा आपने क्या चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ओड बाय डिवीजन मेथड. अब ये एग्जाम्पल बताऊँगी बेटा मैं आपको, सेम आपने इस टाइप से ही करना है. अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1745. अब इसको हमें चेक करना है कि ये इवन है या ओड है. तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. अब 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 17 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता है? 16. और पोजीशन कौन सी है? 8th पोजीशन. और फिर इसको क्या कर देंगे? माइनस. 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, और यहाँ से क्या राइट करेंगे? 4. अब 2 के टेबल में 14 आता है, येस, इन विच पोजिशन? 7th पोजिशन. 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, और यहाँ से कौन सा नंबर राइट करेंगे? 5. 2 के टेबल में 5 से स्मॉलेस्ट नंबर 4, 2 2 जा 4, तो पोजीशन 2 एंड रिमाइंडर इज 1. अब देखो बेटा हमारे पास नंबर क्या आया है? 872, और इसका रिमाइंडर क्या बचा है? 1. व्हेन वी डिवाइडेड 1745 बाय 2, वी गेट 1 हैज़ द रिमाइंडर. अब हमारे पास रिमाइंडर बचा है. अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचा है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर तो 0 आता है रिमाइंडर, फिर तो हमारे पास ये नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर. ओके, बट अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है बेटा? अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? 1. और 1 कौन सा नंबर होता है? ओड नंबर. तो दिस इज कॉल्ड ओड नंबर. तो 1745 इज एन ओड नंबर. गोट इट? अब ऐसे ही आपने 472 को किससे डिवाइड करके देखना है? 2 से. ऐसे ही 96 को, 1745 को. ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे ही डिवाइड करोगे. ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास सेम मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको. ठीक है बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप जैसे हम ये करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सेम एज इट इज़, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. और अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 0. अब ये नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? इवन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास डिविजिबल हो गया है 2 से. तो इवन नंबर कौन से होते हैं? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2. और ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते. ठीक है बेटा, गोट इट? तो एक्सरसाइज 8 आपने इस टाइप से करनी है. एक्सरसाइज 9 बिल्कुल सिंपल है आपके पास, इजी है. 64 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर आपने क्वेश्चन लिखना है और रिमाइंडर लिखना है. देखो कैसे डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है? 143 को किससे डिवाइड करना है? 10 से. तो 143 यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ क्या राइट किया? 10. अब 10 के टेबल में 14 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10. पोजिशन 1. 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4. ऊपर से क्या राइट किया? 3. 10 के टेबल में 43 से स्मॉल नंबर 40, और यहाँ पे 4, और रिमाइंडर इज 3. तो क्वेश्चन क्या आ गया? 14, और रिमाइंडर क्या आ गया? 3. ओके, तो आपको ये सिंपल ऐसे क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट वाले में देखो, 64 को डिवाइड करेंगे 10 से. सिंपल है बेटा. अब हमें क्या करना है? 64 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 6, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4. ठीक है बेटा, ऐसे आप करोगे. नेक्स्ट बी वाला कोड पार्ट, क्वेश्चन भी यहीं पे लिखना है और रिमाइंडर भी यहीं पे लिखना है. ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 8 और 9 आपने इस टाइप से सॉल्व करनी है. जो एक्सरसाइज 9 है बेटा, वो अपनी बुक में ही सॉल्व करोगे. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.